चल लॉन्ग ड्राइव पे चल चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। ये जो बैलून स्टैंड आप लोग देख रहे हो ना, इसमें 7 पीस ऐसा रहता है। ये अमेजोन में भी सेम ही दाम है, 150 रुपया शायद ऐसा कुछ लेता है ये, है ना। और ये जो बैलून सब हम खरीदा ना, ये सब बैलून का दाम ऑनलाइन ज्यादा था, ऑफलाइन हमको कम में मिला। तो दोनों जगह कंपेयर करके हम लोग ये खरीदा था। चीकू हम देखा तो इसको पहले काना का चीज तो ही चाहिए। ले 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 दोनों हाथ से पकड़े हो। शाबाश, चल लॉन्ग ड्राइव पे चल चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। नहीं तो माथा में लगता उसको। देखा ओ दो 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 फिर से दो उसको पकड़ने से वापस। जाओ पीछे लेके जाओ, ऐसे ऐसे पीछे लेके जाओ। ओ कान्हा तुम भी कम नहीं है। नहीं आगे ना बैलेंस नहीं मिलते, आगे कुछ चाहिए। पूपू कान्हा सीधा सीधी लेके आ जाओ। चीकू बाबू पूपू आया। हवा कम है, हवा देना होगा। हवा कम है अभी। चक्कर में हवा कम है, ये भी समझ गया उल्लू बनाता है क्या यार। हवा हवा कम है यार, हवा पाव पूरा उसमें देके रख रहे। हाँ इसका इसका यही कन्वीनियंट है ना, ये पाव पूरा आराम से देखे हाथ इधर। आगे वाला का शांति नहीं है अभी, मतलब समझा। आगे वाला का किसी में भी खाली इधर दे सकता है पाव। देखो गिराएगा इसको। दो हम चलो पे दो। तो ये रहा गाय का दूध जो कि चीकू और काना पिएगा। तो अभी फिलहाल इन लोग गाय का दूध थोड़ा थोड़ा पी रहा है और रात को इन लोग फॉर्मूला मिल्क पी रहा है, देखता है कैसा है। लेकिन गाय का दूध हम कैसे दे रहे हैं बताओ, जो हम लोग हमको चावल का चूरा या जो होममेड सैलेक था जो हम लोग फॉर्मूला मिल्क के साथ मिक्स करता था, अब हम लोग वो गाय का दूध के साथ मिक्स करके इन लोग को दे रहे हैं। गाय का दूध मम्मी लोग जितना बोला है बच्चा को एकदम डार्क दूध नहीं देना चाहिए, पता है। पतला देना चाहिए, मतलब आधा लीटर अगर दूध है तो आधा लीटर पानी मिक्स करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हजम नहीं कर सकते। डाइजेस्ट का बात होता है। देखा तो हो गया, गर्म हो गया। तो कान्हा और चीकू दोनों सो गया था नितुल जाते ही। अब उसके बाद सोचा था कान्हा कम से कम 5 बजे तक सोएगा, लेकिन कान्हा आज 4 बजे ही उठ। आज बहुत कम सोया है कान्हा, बहुत देर उत्पत्त किया उसके बाद सोया, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटा। कान्हू ऐसे सो के क्या होगा बाबू, आज कान्हा को चोट भी लगा तो ये देखो गिरा। इसीलिए वो हम लोग चाइल्ड प्रूफिंग के लिए देते हैं ना, वो कॉर्नर्स में लगाने के लिए वो ऑर्डर किया ही है नितुल, उस दिन बोल ही रहा था, लेकिन उसके वजह से ही लग गया। आपको दिखाएगा अभी, एक्चुअली हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि चीकू उधर सो रहा है और अगर वो थोड़ा भी आवाज़ सुन लिया तो वो उठ जाएगा। तो अभी 4:15 हो रहा है और कान्हा तो उठ चुका है 4 बजे ही, 4 बजा ही नहीं था एक्चुअली। तो उसको हम रेडी वेडी कर दिया, बस शूज़ पहनाना बाकी है। कान्हा शू पहनेगा ना अभी? अच्छा, तो कान्हा को हम शूज़ पहना देता है। और एक काम किया आज हम, ये सारा जो भी था मिकी माउस स्टार्स एंड वो सब जो भी मिकी माउस का था बर्थडे में लगाया हुआ, सबका हवा निकाल के ऐसे समेट के रख दिया है, क्योंकि ये सब रीयूजेबल है। तो ये सब हम वापस पलंग में रख देगा, क्योंकि वापस से काम आने वाला है ये सब चीज़, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल सकता है। सबको 3-4 बार आई गेस यूज़ कर सकता है, तो ठीक है, अच्छा ये पैसा बच गया। तो जो भी है रीयूजेबल चीज़ खरीदने में ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इसीलिए हम वही सोच रहे हैं। हम आज एक्चुअली एक बात और सोच रहा था कि नेक्स्ट बर्थडेज में अगर ऐसा कुछ खरीद सके जो मतलब बलून्स वगैरह भी आता है, हम देखा रीयूजेबल ही होता है वो सब भी, लेकिन वो सब बलून से इतना डेकोरेशन नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत वो सब बलून्स भी खरीद सकता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अब नितुल को क्या लगता है, नितुल से बात नहीं किया हम अभी, बस वैसे भी बहुत टाइम है वो सब बलून्स के लिए, लेकिन रीयूजेबल चीज़ ही खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। कस डायपर्स भी हम इन लोगों के लिए रीयूजेबल खरीद सकता, लेकिन फिलहाल पानी का प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वो नहीं कर सकता है, तो हम लोग को इससे ही काम चलाना होगा। तो हम लोग का चीकू भी उठ गया। चीकू
और हम लोग क्या खा रहे हैं, इधर देखो, सेलेक सेलेक। क्या हुआ, दिखा मुंह, दिखा मुंह, दिखा मुंह, दिखा, इधर देखो। कान्हा रुको, मामा देगा, इधर आओ, ये लो कुरे चिकुरी। तो आप लोगों को तो दिख ही रहा है कि लोग पूरा घर कैसे मैस करता है, हम रिकॉर्ड किया है, पूरा घर मैस होता है और हमको बार बार ऐसे क्लीन करते रहना होता है क्योंकि ये इन लोग फिर पैर में लगेगा, गिरेगा, ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए वॉकर में फंस सकता है, तो इसीलिए बार बार क्लीन करते रहना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो बच्चों के घर में तो ऐसा होता ही है। और इन लोग है मेरा शैतान बच्चा, इसको देखो। तो चलो अभी हम बेडरूम का मैस क्लियर करने जाते हैं, और हमको पता है मेरे पीछे पीछे दोनों आने वाला है। हे गाइस, अभी रात का बज रहा है, 1 बज रहा है, दोनों जन अभी उठ गया, अभी इन लोग नहीं सोएगा, और हमें एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग कंप्लीट हो गया। तो गाइस आज ना एक प्रॉब्लम आ गया है, गोप्रो जो है, गोप्रो का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब वीडियो होता है लेकिन ऑडियो जो है वो फ्लैट। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। फिलहाल तो दोनों को सुलाता है और हम लोग भी सोता है, तो इस वीडियो को इधर ही खत्म करता है। वीडियो अगर कुछ भी अच्छा लगा है ना गाइस, तो एक लाइक जरूर करके जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो इसी के साथ दुआ तलब तो अभी ये ना 4 नंबर बार रिकॉर्ड किया है, गोप्रो में 3 बार, इसमें 1 बार किया था, इसमें रिकॉर्ड ही नहीं टिपा मोबाइल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। बाय बाय। अभी इन लोग को थोड़ा थोड़ा गाय का दूध दे रहा है, और रात को हम लोग सोचा है फॉर्मूला मुल्क दे देगा हम।